ये अखंड ज्योत वाला दिया है, ये तो हम कलश बना रहे हैं, ये वरुण देव का। गाइस को बताइए कि हम पान के पत्ते क्यों लाए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज है 3rd of October एंड आज से है नवरात्रि स्टार्ट। सो हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। एंड अभी बज रहे हैं 7:30 एंड हम सब उठ चुके हैं, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं एंड भाभी और मम्मी लगे हुए हैं मंदिर डेकोरेशन में। अभी मैं जाती हूँ उनके साथ हेल्प करती हूँ एंड आप सबको दिखाती हूँ कि हमने अपना डेकोरेशन कैसे किया है और आगे हम लोग क्या क्या करेंगे। एंड आज मैंने पहना है येलो कलर क्योंकि भाभी ने बोला था आज येलो पहनते हैं, तो मैंने येलो पहन लिया है। एंड ऑल्सो कल का मैंने व्लॉग डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लो। जय माता दी। दोस्तों हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। तैयारी सारी हो चुकी है, बस हमें कलश स्थापना करनी है, माता जी को स्थान देना है और अपने अखंड ज्योत और वगैरह सारा काम हम शुरू करेंगे थोड़ी देर में और आपको अपडेटेड रखेंगे। एंड देखिए मेरी भाभी की जो सुंदर लग रही है, आज पीली साड़ी पहनी है एंड मम्मी ने भी पीला सूट पहना। मम्मी वहाँ पे छोटे वाले मंदिर में डेकोरेशन कर रही है, तब तक मैं आपको यहाँ का दिखा देती हूँ। देखिए कल रात को हमने ये डेकोरेट किया था बैकग्राउंड एंड बस ये चौकी वगैरह लगा दी थी एंड रात को हमने ये लाइट भी लगा दी थी लड़ी। एंड अभी भाभी ने जो तैयारियाँ की है वो ये है कि अलग अलग दोने में जो है जो सारे प्रसाद वगैरह जो चढ़ते हैं वो सब भाभी ने इसमें रख दिए हैं थोड़े थोड़े। एंड ये श्रृंगार की थाली भी रेडी कर दी है भाभी ने एंड ये फ्रूट्स वगैरह हम लोग कल ले आए थे। ये देखिए मेरे भाभी ने इसको क्या बढ़िया तरीके से कलर किया है, कल रात में बैठ के कलर कर रही थी भाभी, मस्त सजा दिया है। और देखिए हमने इसमें मिट्टी रख दिया है, मिट्टी साफ होनी चाहिए, कोई सी भी हो मिट्टी। इसमें रेत भी मिक्स करते हैं एंड ये फूल वगैरह हम ले आए हैं, मैंगो लीव्स ले आए हैं। बाकी आज मम्मी भाभी और मेरा हम तीनों का फास्ट है एंड भाभी तो पूरे 9 दिन के रखती है, तो मम्मी और मैं बस दो ही रखते हैं, मतलब जोड़े में रखेंगे, बट भाभी जो है पूरे दिन के रखती है, पूरे 9 दिन के। ये अखंड ज्योत वाला दिया है एंड ये भी भाभी ने मस्त सुंदर सा पेंट कर दिया है। माँ भाभी इज वेरी टैलेंटेड, यू नो, बिल्कुल मेरे पे गई है ना जी दीदी। सो गाइस ये चौकी लाए थे हम लोग कल, मार्केट से नहीं लिया था, मार्केट में मिला नहीं कहीं ऐसा अच्छा सा, तो हम अपने इधर से ही लाए थे हाथीवट कला से। देखो कितना प्यारा है, इसमें कपड़ा रखने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें हमारा रहेगा अखंड ज्योत का दिया, इसे हम लोग वहाँ कोने में रखेंगे क्योंकि बीच में इतना बड़ा आएगा नहीं, बीच में माता का सब कुछ रहेगा, तो हम लोग वहाँ पे उसको कोने में रखेंगे अखंड ज्योत का दिया। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है अष्ट दल कमल अखंड ज्योत के लिए। ये किस लिए बनता है मम्मी? माता रानी का कमल का होता है ना, इसलिए अष्ट दल कमल बनता है। और वहाँ पे हमने दादाजी के फोटो में भी वो माला लगा दी है जो हम लोग कल लेके आए थे, देखो कितनी अच्छी लग रही है, दादाजी कितने मुस्कुरा रहे हैं, देखिए चंदन वाली। एंड यहाँ पे हमारा बन गया है अष्टदल कमल, इसमें हम लोग अभी दिया जला के अखंड ज्योत तक देंगे। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं माता रानी को स्नान करवाने के लिए, फिर उनको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाएंगे और फिर उनको अपने स्थान में उनको बिठाएंगे। ये रही हमारी माता रानी। बुरा किस लिए? स्क्रब होती है पूरी, मतलब मीठे में भी आता है ना, इसलिए स्क्रब। तो मैं अपना लॉजिकल तरीका, हाँ लॉजिकल तरीका चल रहा है माता रानी का यहाँ। स्क्रब से सारे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे माता रानी के। हम ये हनी डाल रहे हैं ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए माता रानी की स्किन। हाँ तो ये ना पूरा चमक उठ जाता है, इस साइड डाल शेर जी पे। ये देखिए गाइस ये वस्त्र लाए हैं हम, ये आपका दुपट्टा उनका। अभी पहले हम उनको उनका लहंगा पहना देते हैं। ये तो एक ही साइड से आएगा।
ये देखिए हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है, क्या चमक रही है, पीताम्बरा देखिए गाइस, क्या मस्त आ रहे। मैंने चूज किया था ये माता रानी के लिए। ऐसे ना इस पे भी देखिए गाइस, देखिए 1 2 3 4 ये भी फूल बन रहा है मस्त एकदम। बड़ा तो बड़ा हो गया ना, थोड़ा सा बड़ा है। अरे मुझे माता रानी गाइस ये देखिए, और इनकी चुन्नियाँ अभी लगाएंगे इससे, इन्हें इनको बोलते हैं त्रिपुर सुंदरी, जो तीनों लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर है। ऊपर से हमने इनको नहला धुलो के स्किन केयर करके भी मस्त चमक रही हैं। ये कच्चा दूध है ना ये वाला? हाँ जी ऐसे ठीक है। सो यहाँ पे भी हमने कमल का फूल बना दिया है, इसमें हम लोग अभी रखेंगे ये कलश अपना, एंड ये जो हमने कल रात को ही भिगो दी थी, ये तो हम कलश बना रहे हैं, ये वरुण देवता के लिए है। इसमें हमने बताते क्या डाला हुआ है, सुपारी, हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची, जौ, तिल और 5 रुपए का सिक्का। ओके और इसमें भी मैंगो लीव्स लगाएंगे, फिर हम जो नारियल लेके आए थे कल वो लगाएंगे इसमें ऊपर से। ठीक है जी, ये हमारी तरफ होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए आकाश की तरफ? चलिए कलश हमने यहाँ पे रख दिया है, एंड अभी हम लोग यहाँ पे जौ लगाने जा रहे हैं इसमें। कृपया बनाइए रखिए, हम इसमें नवग्रह नौ सुपारी रखते हैं। हाँ सुपारी ध्वजा नारियल, नहीं ऊपर भी था। हल्दी आते भी ऐसे बनाते हैं ना बांध देने के लिए, उसमें तो और गुच्छा बनाते हैं बड़ा, उसमें तो वो भी डलता है ना एक, पता नहीं होता नहीं होता वो एक, नहीं हमारे तो ये डलता है। एक और घास होती है, हम तो गांव से मंगाया था अलग से उसके लिए, दूध घास हमारे गणपति महाराज के लिए। गाइस को बताइए कि हम पान के पत्ते क्यों लाए हैं? भगवान जी को चढ़ाने के लिए। क्या महत्व है इसका? उन्हें बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट चढ़ाना। आरोग्यम धन संपदा यजमान बुद्धि विराजमान है दीपम ज्योति नमोस्तुते, ओम हरिओम देव देवताए नमो। तो दोस्तों हमारी अखंड ज्योत भी जल चुकी है, गुरुमे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम वरुण देवताए नमो नमः। जय भगवान जी। ये हमने गुड़हल का फूल, उनको पसंद है ना बहुत, तो ये घर का हमने गुड़हल का फूल लगा दिया। अभी हम दो दोनों अलग निकाल रहे हैं, ये दो हमने अलग निकाले हैं। ये है सबसे पहले हमारे पितृ देवताओं के लिए, और ये हमारे कुलदेवी देवताओं के लिए अलग है इनके लिए। ये माता रानी के लिए हमने लौंग की माला बनाई हुई है, वो नाइस। तो दोस्तों हमने यहाँ पे रख दिया है माता रानी का श्रृंगार, एंड ये मम्मी मिठाई भी चढ़ा रही है, एंड ये भोजन की थाली भी रख दी है हमने गणेश जी के लिए एंड माता रानी के लिए। चलिए जय हो।
थे सुकन्या ने मन में दुख निवारण करे ज्योति तुम्हारी थी फैलेगी ससुराल में पांच साल अति डरावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमिरो एक चित में। सो गाइस इसके बाद भाभी और मम्मी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, उसके बाद हमने आरती करी गणेश जी की एंड दुर्गा माता की। एंड ये जो पाठ चलता है ये पूरे 9 दिन चलता है, इसमें काफी सारे पार्ट होते हैं तो अलग अलग दिन अलग अलग पार्ट बढ़े जाते हैं। बाकी आप देख लीजिए कि हमारी माता का स्थान कितना अच्छा सजा हुआ है, एकदम चमक रहा है सब कुछ। Later. So guys, अभी बज रहे हैं 6 एंड हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं शाम की पूजा करने के लिए। शाम की आरती हम लोग करने वाले हैं और हमने फास्ट का सारा खाना बना दिया है। उसके बाद पूजा करने के बाद हम लोग फास्ट अपना तोड़ेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग फास्ट में हम फास्ट खोलेंगे। फिर आप मैं दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया है अपने फास्ट का जो खाना होता है उसमें हमने क्या क्या बनाया है। फिलहाल अभी पूजा करते हैं। गाइस आरती करने के बाद हमने अपना खाना खाया और खाने में हमने बना रखा था कुट्टू का जो आटा होता है उससे हम लोग पराठे बनाते हैं। इसमें आलू साबुदाना धनिया मिर्च वगैरह नमक वगैरह मिक्स करके बनाते हैं एंड इसका बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है। एंड उसके बाद हमने बनाया था लौकी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी भी बनाई थी बट मुझे पसंद नहीं तो मैंने नहीं लिया। फिर मीठे में था खीर और रायता भी था